on the session figure, sir, I would like to thank everyone and especially for coming, sir, to give the opportunity to Anubhuti Yog Sansa for business presentation. दोस्तों अनुभूति है क्या? सबसे पहले अनुभूति योग संस्था के लिए हमें बताऊं मैं कि अनुभूति है क्या। अनुभूति में सोचा फील एहसास और उसी से हमने अनुभूति योग संस्था रखा। हम लोग यहाँ बैठे हुए फील तो कर रहे हैं दूसरे को जो परमेश्वर ने करवाया है ये फील ये योग। यस दोस्तों हमारी जो अनुभूति योग संस्था है उसकी जो स्थापना है नियम वो 2007 में रखी गई थी। हम लोगों ने स्टार्टिंग जो किया हमने कॉम्पिटिशन से किया, स्कूल कॉलेज वो बच्चों के जो कॉम्पिटिशन होते हैं योग के वहां से स्टार्ट किया था अपना। पिछले 2 साल पहले हमने विवेक बिहार में अपना एक और ऑफिस खोला, पहला रजिस्टर्ड ऑफिस जो हमारा संगम बिहार में, दूसरा हमारा विवेक बिहार में खुला है। यहाँ से हमने अपना काम और बढ़ाया। हम लोग जो हमारा काम बढ़ाया है उसमें हमने पहला हेल्प प्रोफेशनल योगा क्या होगा दोस्तों हेल्प प्रोफेशनल हम लोग जो हेल्थ दे रहे हैं फिटनेस जनरल फिटनेस की क्लासेस होती है यहाँ पर। अनुभूति का जो सूर्य नमस्कार है बेस्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट है मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी तक 34 स्टेप किसी ने नहीं बनाए हैं और वो अनुभूति ने ही बनाए हैं। और एक अनुभूति का जो वैसे जनरल जो है सूर्य नमस्कार 9 से 11 कैलोरीज बर्न करता है, बट हमारा सूर्य नमस्कार उसका ट्रिपल टाइम है। इट में से कितनी कैलोरीज बर्न हुई? अराउंड 30 के आसपास, अराउंड 30 मान लीजिए। नेक्स्ट हेल्पी योगा। हेल्पी योगा जो है हमारा हेल्पी मींस होता है डिजीज से रिलेटेड, कोई क्रोनिकल डिजीज हो, एक्यूट डिजीज हो जैसे बैक पेन, शोल्डर पेन या व्हाटएवर डायबिटीज और सो ऑन, तो जो जितनी थेरेपी उसमें स्पेशलाइजेशन होता है, अलग टेक्निक होती है। जैसे मेडिकल में चले जाएंगे फिजिशियन टैबलेट देता है, कैप्सूल देता है कि हाँ भाई ये कैप्सूल है इससे आपकी डिजीज ठीक होगी, बट हमारी योगा थेरेपी में भी कैप्सूल है, मॉड्यूल है, उससे हमारी डिजीज ठीक होती है। किड्स योगा में ये है कि हम परफॉर्मेंस तैयार करवाते हैं स्कूल कॉलेज के लिए बच्चों के लिए वो परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हमारे प्रेगनेंसी योगा। प्रेगनेंसी योगा की जो स्पेशलिस्ट जो है हमारी वो शिल्पी मैम है, जरा बताएंगे। सभी लोग के बीच में आज के टाइम में बीमारियां सुनने को होती है कि थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसकी वजह से क्या होता है हमारा कि सिजेरियन की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हमारा पूरा ड्यूरेशन चांसेस होता है कि हम पूरे इस ड्यूरेशन में इतनी ऐसे एक्सरसाइजेस कराते हैं कि उनको ये बीमारियां ना हो एंड नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहे। मेडिटेशन क्या है? और दोस्तों आज जो हमारा मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, चाहे किसी भी लेवल पर काम हो हमारा, कोई फैक्ट्री हो या फिर कॉर्पोरेट हो, कहीं भी हो, हम लोग बैठे हैं कहीं भी, तो मेंटल पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ता चले जा रहा है और मेंटल स्ट्रेस हो तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जो आपका मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल खत्म करते चले जाएगा हमारा। और हम लोग स्पेशल क्लासेस लगाते हैं मेडिटेशन की भी। हमारी अदर सर्विसेज में जो आती है हमारी जुम्बा, डांस, हम लोग साथ साथ जुम्बा डांस जो है बच्चों के लिए अच्छा है और सभी के लिए अच्छा है। और जुम्बा, जुम्बा एक नया फॉर्म है जो एरोबिक और डांस को कॉम्बिनेशन बना है, यूथ की डिमांड है आज, तो इसलिए हमने जुम्बा हमारे वहाँ रखा हुआ है और बहुत अच्छे क्लासेस होती है। इसमें फ्री स्टाइल फिटनेस क्लासेस बिल्कुल अलग है, ये हमारा फंडा फ्री स्टाइल फिटनेस क्लासेस, इसमें सारा फ्यूजन है योगा का, डांस का, जुम्बा का फ्यूजन मिला के बनाया हमने। नेक्स्ट हमारे पास फिजियोथेरेपी है, हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं, हम लोग यूनिट पूरी बना रखी है फिजियोथेरेपी की, वो भी है हमारे पास। न्यूरोथेरेपी जो है हमारा, न्यूरोथेरेपी का अलग वर्ड है, आज धीरे धीरे सक्सेस होता चला जा रहा है। न्यूरोथेरेपी मेडिकल बेस है, जैसे मेडिकल में अगर आप जाए तो कोई भी डिजीज है हमारी बॉडी का जो बैलेंस है एक लाइन और एसिडिक दो फॉर्म में है, एक लाइन जो है हमारा 80% है और एसिड 20%, ये रेशियो होना चाहिए। जब भी ये डिसबैलेंस होता है तो हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है हमारी बॉडी में, और इसी बेस पे हमारा न्यूरोथेरेपी है विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट, इससे हमारी बॉडी में जो बैलेंस होता है वो बनाया जाता है। हम प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे योगा के वर्कशॉप लगाते हैं स्कूल कॉलेज में, कॉर्पोरेट में, अलग अलग जगहों पर। और हम लोग जो है कॉम्पिटिशन जो हमने स्टार्ट किया था बेस कॉम्पिटिशन लेवल का, वो स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन करवाना स्टार्ट दोबारा से कर रहे हैं, बीच में हम करवाए थे बट आप दोबारा से रेगुलर होते चले जाएंगे, अभी हमारी प्लानिंग चल रही है। नेक्स्ट हमारा योगा टीचर ट्रेनिंग, हमने एक अभी ब्रांच डाली योगा टीचर ट्रेनिंग,
बेसिकली योगा आज जो योगा का फील्ड है इतना मैनेज रखा है कि जो योगा ट्रेनर आ रहे हैं, जो कोर्स करके आ रहे हैं, जो वो वहां से निकल के आते हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है कि वो स्टूडेंट के स्टूडेंट बने रहे। हम लोग जो कोई भी कोर्स करते हैं उनको इंटर्नशिप नहीं है, वहां जब मार्केट में आते हैं काम करने के लिए वो कहते हैं कि काम नहीं है, बिकॉज क्योंकि स्किल की कमी है उनमें। कोई भी इंस्टीट्यूट जो है स्किल नहीं दे रहा है, वो सिर्फ पढ़ा ही रहा है। हम लोग जो कर रहे हैं एक स्किल दे रहे हैं उनके साथ साथ, कोर्स के साथ साथ उनको वर्कशॉप करवा रहे हैं, अपने वहां उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको एक ऐसा तैयार कर रहे हैं कि वो किसी भी लेवल पे जाके काम करें। और हमारे पैशन, हमारे मिशन जो है वो तो सामने ही है कि इंडिया को जो है हम लोग जो एक हेल्दी बनाना है, हमने सेकेंड योगा में अपडेशन लेके आनी है। ये हमारी कुछ अचीवमेंट है, जैसे हमने 2016 में बताया था कि हमने 2016 में हमने इंटरनेशनल योगा डे बनाया है, 2 साल हुए हमें बिग घर ऑफिस में। सेकंड 2017 में देख रहे हैं आप कितना हमारा चेंज आ गया, पहला हमारा इंटरनेशनल योगा डे और दूसरा इंटरनेशनल योगा डे 2017 में जो रिसेंटली हुआ था। प्रगति क्लब पूरा इन्वाइट भी था उसमें और प्रगति क्लब से मेंबर भी आए थे वहां पर, और मैं परवीन सर का थैंक्स ही बोलूंगा इसके लिए। हम हो चुके हैं, वी आर फैमिली। सो ये विवेकानंद ऑडिटोरियम में हुआ था, विवेक विहार। ओके, कैन नेक्स्ट आप ये देख रहे हो नीचे हमारा जब योगा इंटरनेट जो हमारी योगा टीचर ट्रेनिंग लॉन्च हुई थी तो उसकी है प्रोस्पेक्टस है। नेक्स्ट हमारा कैंप्स होते रहते हैं, अभिषेक को हमने कैंप्स किया वहां पर, देखिए आप लॉन्च होने हमने कैंप किया योगा का अवेयरनेस वर्कशॉप लगाते हैं, जैसे बीपी किसी भी डिजीज पे जस्ट लाइक बीपी है बीपी एडुकेटेड ले रही है वहां पर, ब्लूटूथेरेपी की देखिए यहाँ पर क्लास हो रही है, हम टाइम टू टाइम ऑफिस में बुलाते रहते हैं। सेकेंड यहाँ देखिए आप डायबिटीज के लिए एडुकेटर आए हुए हैं, और वहां पर देखिए हमारा जब योगा जब विवेक घर का ऑफिस खुला था तो शंडी जी है वहां पर, तो शंडी जी आए थे उसमें, और जो हमारी अनुमति संस्था के जो फाउंडर प्रेसिडेंट है आचार्य दीपचंद कोसी जी उसमें है। सेकंड हमारा फिजियोथेरेपी को जो हमारा लॉन्च हुआ सेंटर, तो यहाँ महेंद्र जी आए हुए थे। सेकंड नीचे देखिए आप योगा जुम्बाई की प्रैक्टिस हो रही है, हमारे स्टूडियो है, हमारे स्टूडियो की क्लासेस है। वहां देखिए आप मेडिटेशन हो रही है, मेडिटेशन अलग अलग तरह की होती है हमारी। ये हम लोग दूरदर्शन में गए थे, दूरदर्शन में जब इन्वाइट हुए थे डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए और कॉर्पोरेट क्लास होती है। नेक्स्ट प्लीज आगे की जो है शिवी मैडम आपको बताएंगे। थैंक यू। जैसा कि अनुभूति योग संस्था नाम तो आप सभी को पता चल गया हमारा कि ये है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक ये बताना चाहती हूँ आप लोग कैसे हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। अनुभूति योग संस्था एक एनजीओ है, एक एनजीओ की तरह ही काम कर रही है, तो आप लोग हमारे इसके साथ जुड़ सकते हैं। किस किस तरीके से, जैसे अगर कोई भी अगर हमारी मेंबरशिप लेना चाहता है तो वो मेंबरशिप ले सकते हैं, एंड कोई भी इसके डिटेल पता करना चाहता है तो बाद में उससे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट प्रगति मेंबर कैन अगर कोई भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे लिए वो 10% डिस्काउंट है, चाहे वो हमारी मंथली जो क्लासेस हैं वैसे या मेंबरशिप जो भी लेना चाहते हैं। एंड जो बिजनेस फाउंडर हमारे साथ कोई भी फ्रेंचाइजी टाइप से लेना चाहते हैं या सेंटर अपना अपने एरिया में करना चाहते हैं तो वो हमसे फ्रेंचाइजी टाइप से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को भी होम विजिट क्लास की जरूरत हो सकती है तो हमारे पास ट्रेनर हर तरीके के होते हैं, वेट मैनेजमेंट, प्रेगनेंसी एंड किसी भी थेरेपी क्लास के लिए, और हम कॉर्पोरेट क्लासेस भी लेते हैं। अगर आपको किसी भी लगता है कि किसी कंपनी में हमारी रिक्वायरमेंट है जहां योगा क्लासेस हो सकती हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस। ओके, वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। थैंक यू।